हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह की टाइम हुई है 7:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं, फ्लाग होस्टिंग एक जगह पे है तो वहाँ पे हम लोग बस जा रहे हैं। तो ये रास्ते पे हम लोग देखे, मतलब एक छोटा सा दुकान लगा था, तो यहाँ से हम हमारे गाड़ी के लिए भी कुछ खरीद रहे हैं। और अभी मैं इवनिंग को ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हुआ है अभी 6:00। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा कुछ स्नैक्स बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर लूँ। अभी मैं जा रही हूँ ट्राई कलर का सैंडविच बनाने के लिए, और ये सैंडविच बहुत ही इजी है, एकदम बस 5 to 10 मिनट्स की रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना जल्दी ये बन जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हरी चटनी बना लेते हैं। तो हरी चटनी में सिर्फ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया और ग्रीन चिली, चाहे तो आप इसमें गार्लिक भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं दी हूँ। और थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे एक आधे नींबू, यहाँ पे आप नींबू देते हैं तो ये चटनी एकदम बहुत मतलब ग्रीन होके एकदम रहेगा। मतलब जैसे कि चटनी होने के बाद थोड़ा ब्लैक हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, तो इस पर नहीं होगा। यहाँ पे इसे अभी पीस लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी चटनी बन के रेडी हो गया है, और मैं ये चटनी पे बिल्कुल भी पानी नहीं दी हूँ, पूरा ड्राई पेस्ट की हूँ, अच्छे से एकदम यहाँ पे हो गया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाने की प्रोसेस। तो यहाँ पे अभी हम ट्राई कलर सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 पीसेस ब्रेड लिया है, 3 पीसेस ब्रेड लिया है अभी यहाँ पे। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले यहाँ पे बटर को लगा लेती हूँ सारे ब्रेड में। और मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ये ब्रेड ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ग्रीन कलर की चटनी है, पहले यहाँ पे मैं ये ब्रेड में स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे ये अभी हो गया, तो यहाँ पे मैं अभी खीरा दे रही हूँ। यहाँ पे ये सेट हो गया है, फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पे अभी शिमला मिर्च रख दूंगी।
तो ये हो गया यहाँ पे ये वाले ब्रेड में, और थोड़ा ग्रीन चटनी इसमें लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं भी थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। चाट पाउडर भी थोड़ा दे रही हूँ। मैं यहाँ पे अभी दो स्लाइस दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसे अभी उसके ऊपर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी रेड चटनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं टमाटर दे रही हूँ। इसके ऊपर अभी इसे दे रही हूँ। तो अभी बस ये रेडी हो गया है, चाहे तो आप वैसे भी इसे खा सकते हैं। और यहाँ पे अभी इसे ग्रिल कर देंगे। जैसे कि मेरा ग्रिलर खराब हो गया है, तो मैं इसे नॉनस्टिक में ही बना रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गमला यहाँ पे है। तो हम लोग इवनिंग को ही निकले थे घर के लिए कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत वैरायटी का गमले है, और बहुत कुछ छोटे छोटे मतलब पॉट भी है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा स्टैचू वगैरह भी यहाँ पे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये लोग बैठ के ये मतलब पेंटिंग जो है इसका कर रहे हैं, तो मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंगिंग लैम्प भी कुछ रखे हैं, जो बहुत अच्छा लगेगा ये अगर आप गार्डन में लगाएंगे या टेरेस में कहीं पे भी लगाएंगे। ये हैंगिंग लाइट बहुत डेकोरेटिव है।